हेलो स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी का 16वां पार्ट है और इसमें हम लोग आज कुछ सोशल ग्रुप से ही संबंधित प्रश्नों को लेंगे। ग्रुप अभी बहुत बड़ा चैप्टर है तो अच्छे से कर लिया जाए। चलिए बताइए, रॉबर्ट बियर स्टेट ने कितने आधार पे समूह को कितने भागों में बांटा है? कितने आधार पे समूह का निर्माण किया है? तीन आधार पे या चार आधार पे? रॉबर्ट बियर स्टेट ने समूह को कितने भागों में बांटा है, ये एक अलग प्रश्न है। चार भागों में या पांच भागों में? और ग्रुप देखता हूं। एक ग्रुप का टाइप है इनवॉलंटरी, वॉलंटरी एंड डेलीगेट ग्रुप। इसकी चर्चा किसने की? ड्वाइट सैंडरसन या चार्ल्स एल वुड? अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन आपको ऐसे कैसे याद होगा? आपको मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन जो है मोस्टली ग्रुप का निर्माण किसने किया, कब किया, इस पे आता है, तो इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं। ये याद कर तथ्यों के आधार पे तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब जैसे एक है इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप, इसकी चर्चा किसने की? चार्ल्स एलवुड या सैंडरसन ने? और देखते हैं रेफरेंस ग्रुप की चर्चा H.H. हाइमन ने अपनी किस पुस्तक में की? द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस या द साइकोलॉजी ऑफ रोल? और ग्रुप रेफरेंस ग्रुप को दो हिस्सों में, नॉर्मेटिव एंड कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप में किसने बांटा है? नॉर्मेटिव एंड कंपैरेटिव, मार्टन या H.H. हाइमन? बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी बातों को याद करना है आपको। इमेजिनरी रेफरेंस ग्रुप की चर्चा किसने की है? क्लाइनबर्ग या जॉर्ज हैसन? और सोशल ग्रुप को अनसोशल, स्यूडो सोशल एवं एंटी सोशल तीन हिस्सों में किसने बांटा? अनसोशल, स्यूडो सोशल, एंटी सोशल? जॉर्ज हसन या क्लाइनबर्ग? और प्राथमिक समूह की चर्चा किसने की? C.H. कूले या समनर? और इन ग्रुप और आउट ग्रुप, इसको हिंदी में अंतः समूह और बाह समूह कहते हैं, इसका वर्णन किसने किया? W.G. समनर या C.H. कूले? स्मॉल ग्रुप की चर्चा कौन करते हैं, जीसी होमांस या गिन्सबर्ग? और क्वासी ग्रुप की चर्चा कौन करते हैं? मैं आपको ये बता दूं, क्वासी ग्रुप की चर्चा कौन करते हैं, गिन्सबर्ग या ऑप्शन है परिमलकर? और पोटेंशियल ग्रुप की चर्चा कौन करते हैं, परिमलकर या गिन्सबर्ग? ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको बार बार रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसका एक ही तरीका है, समूह से बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है। स्मॉल ग्रुप एंड लार्ज ग्रुप का वर्णन कौन करते हैं, जॉर्ज सीमेल या न्यूकॉम्ब? पॉजिटिव एंड निगेटिव ग्रुप की चर्चा किसने की, न्यूकॉम्ब या R.K. मर्टन? और C.H. कूले ने
तीन सार्वभौमिक उदाहरण दिए प्राथमिक समूह के, वो तीन कौन है? फैमिली, नेबर, पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का मतलब होता है, फैमिली का मतलब परिवार, नेबर का मतलब पड़ोस, पीयर ग्रुप का मतलब होता है मित्र समूह। फैमिली नेबर पीयर ग्रुप या फैमिली नेबर स्कूल, इसको आप करें। तो ये रहा कुल मिलाकर के ग्रुप से संबंधित बहुत सारी बातें, और ये तो फैक्ट है। कॉन्सेप्ट के लिए आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात, और ये प्रैक्टिस है फैक्ट के लिए। तो चलिए कुल मिलाकर के ऑल द बेस्ट, थैंक यू।